दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आईएफएससी कोड कैसे देखते हैं। किसी भी बैंक का आईएफएससी कोड देख सकते हैं, तो इस वीडियो में यही बताऊंगा। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है, इसमें ओपन कर लेता हूं। गूगल ओपन करने के बाद फिर आपको लिखना है यहाँ पर बैंक, इसमें लिख लेता हूँ बैंक आईएफएससी कोड। लिख देने के बाद आईएफएससी कोड लिख देना, जैसे मैं लिख दिया मैंने आईएफएससी कोड, लिख देने के बाद सर्च कर देना। सर्च कर देने के बाद फिर आपको ऊपर साइड में देखेगा आईएफएससी कोड, इस पर क्लिक करना है, जैसे मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक कर देने के बाद फिर आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है, फिर आपको नीचे यहाँ देखेगा सेलेक्ट बैंक नेम, तो यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, जो भी बैंक का आईएफएससी कोड देखना चाहिए। जैसे मैं देख लेता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक कर देने के बाद फिर आपको नीचे देगा स्टेट पे क्लिक कर लेना, जो भी आपका स्टेट हो। जैसे मैं स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। आप जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट हो। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको नीचे देखेगा ब्रांच भी सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपकी ब्रांच हो। जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ बरेली, जैसे बरेली सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको नीचे स्क्रॉल करके करने के बाद यहाँ पर दिख जाएगा आईएफएससी कोड। आप ऐसे देख सकते हैं आईएफएससी कोड, किसी भी बैंक का आईएफएससी कोड मोबाइल से देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।